गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडे इज क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर 6, अकाउंटिंग इक्वेशंस। टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को जानने से पहले हमें जो है अकाउंट का मतलब पता होना चाहिए। अकाउंट वर्ड को हमने जो है सेकंड चैप्टर में स्टडी किया था। अकाउंट क्या होता है? एक अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी विशेष मद यानी कि कोई विशेष वस्तु से संबंधित क्या है, सभी ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनका लेखा होता है। एक जैसे लेन देनों को एक जगह पे रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? हमारा अकाउंट यानी कि खाता तैयार करना। तो प्रत्येक जो खाता होता है, प्रत्येक अकाउंट होता है, उसके टू साइड्स होती हैं। टू साइड्स में हम उसे डिवाइड करते हैं। जो हमारी द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, जो हमारी बाईं साइड होती है, उसी हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। यानी कि जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसी हम डेबिट साइड बोलते हैं। जो हमारी राइट साइड होती है उसी हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट को हम इस प्रकार से शो करते हैं और क्रेडिट को हम इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हमें कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए हमें क्या तैयार करना पड़ेगा? कैश अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, कैश अकाउंट तैयार करने के लिए जो है हमें दो साइड्स यूज करनी होगी, डेबिट साइड फिर अमाउंट और क्रेडिट साइड और वहाँ की अमाउंट। ऊपर हम लिखेंगे डेबिट, हम ये वाला लिख सकते हैं, इस साइड लिखेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो अबव अकाउंट है ये किस प्रकार से शो हो रहा है? इंग्लिश का जो लेटर टी होता है उसकी तरह शो हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? टी शेप अकाउंट। ठीक है, एन अकाउंट इज एब्रीवेटेड एज अकाउंट, एब्रीवेटेड रूप में हम अकाउंट को इस प्रकार से लिखेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, हमने मीनिंग पता कर लिया कि डेबिट साइड कौन सी है और क्रेडिट साइड कौन सी है। ठीक है, रूल्स क्या हैं डेबिट और क्रेडिट के लिए? इन ऑर्डर टू डिसाइड वेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड वेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, देर आर टू अप्रोचेज। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखने के लिए जो है दो अप्रोच है हमारे पास, अमेरिकन अप्रोच यानी कि मॉडर्न अप्रोच, सेकेंड होती है हमारे इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये जो सेकंड अप्रोच है हमारे इंग्लिश अप्रोच, इसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है डीपली स्टडी करेंगे। अब हम जानते हैं अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच क्या होती है कि द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। जो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल हैं किसी भी अकाउंट की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। फॉर दिस पर्पज ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग फाइव कैटेगरीज इन एन अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है खातों को निम्न प्रकार से हमें जो खाते हैं वो तैयार करने पड़ते हैं। कौन कौन से? एसेट्स अकाउंट्स, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यानी कि ओनर इक्विटी अकाउंट, रिवेन्यू और इनकम, लॉस और एक्सपेंसेस। ठीक है, While discussing an accounting equation, we have studied that if there is an increase or decrease in one account, there will be equal decrease or increase in another account. जब हमने accounting equation को discuss किया था तो हमने ये जाना था कि किसी एक खाते में increase और decrease का असर है, दूसरे खाते में भी increase और decrease पर पड़ता है। यानी कि अगर एक खाते में increase और decrease होता है, दूसरे खाते में भी जो है increase या decrease होगा। Accordingly, following rules of debit or credit in respect of the various categories of accounts can be obtained. तो अलग अलग जो खाते हैं उनके अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एसेट्स अकाउंट्स यानी कि संपत्ति खाते। जब भी किसी संपत्ति में अगर हमारे पास इंक्रीज होता है तो वो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। ठीक है, अगर किसी संपत्ति में मेरे पास डिक्रीज होता है, रिडक्शन होती है, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमें एसेट्स अकाउंट है वो दिखाया गया है। अगर कोई भी इंक्रीज होता है वो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। अगर डिक्रीज होता है तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए फर्म परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 5000, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हमारी एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। इसी प्रकार से, सिंस द फर्नीचर हैज़ इंक्रीज्ड बाई दिस अमाउंट, अगेन इफ द फर्म सेल्स फर्नीचर ऑफ 2000, द रिडक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर हम फर्नीचर को बेच रहे हैं तो क्या हमारा फर्नीचर है वो कम हो जाएगा, तो क्या जो रिडक्शन होगी वो हम एसेट्स अकाउंट तैयार करते समय क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
इसी प्रकार से हमारा लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट जो है एसेट्स अकाउंट का उल्टा होता है, इसमें कोई डिक्रीज होती है उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर लाइबिलिटी में कोई इंक्रीज होती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए फ्रॉम बोरोज 10,000 फ्रॉम गोविंद, द अकाउंट ऑफ गोविंद विल बी क्रेडिटेड सिन 10,000 इन नाउ ओविंग टू हिम। अगर जो है हमने 10,000 रुपये कोई फर्म है वो गोविंद से उधार ले रही है तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 10,000 रुपये किसी को दे रहे हैं तो क्या है, या हम उसे वो 10,000 रुपये वापस पे करेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होगी तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, अगर कैपिटल में कोई डिक्रीज होता है, लाइबिलिटीज अकाउंट की तरह ही होता है, ये डिक्रीज होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, इंक्रीज होगी कैपिटल में तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। इसी प्रकार से रिवेन्यू और इनकम्स, रिवेन्यू में अगर कोई डिक्रीज हो रहा है, इनकम्स में कोई डिक्रीज हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, इंक्रीज होने पर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। इसी प्रकार से हमारा लॉस और एक्सपेंस अकाउंट, लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट में, लॉसेज में और एक्सपेंसेस में कोई इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। ये सभी रूल्स पढ़ने के बाद जो है हम ये नतीजे निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डेबिट द इंक्रीजेज इन द एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज इन द एसेट्स, ये सारी बातें हमें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द टर्म डेबिट शुड नॉट बी टेकन टू मीन फेवरेबल थिंग्स, डेबिट का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें फेवरेबल में होगी, ठीक है। इट मे रिप्रेजेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये प्रतिकूल और अनुकूल दोनों हो सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड इन द नेचर ऑफ एन अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज किस पर डिपेंड करता है, खाते की प्रकृति पर, कि खाता किस प्रकार का है, लाइबिलिटी का है या एसेट्स का है। सिमिलरली द टर्म क्रेडिट में रिप्रेजेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड इन द नेचर ऑफ द कंसर्न्ड अकाउंट। इन द केस ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसिज डेबिट मीन्स इंक्रीज, एसेट्स और एक्सपेंसिज दोनों क्या है, सेम होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसिज में अगर कोई इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं और कोई डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार से लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम्स है, इनमें डेबिट क्या इंक्रीज, क्या हमें क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम अकाउंट होते हैं, इनमें अगर कोई डिक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे और इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो अकाउंट है वो एसेट्स और एक्सपेंस का है या लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम का है। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस का हमारा अकाउंट है तो डेबिट इंक्रीज होगा वो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा वो क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से अगर लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज को डेबिट और इंक्रीज को क्रेडिट, ठीक है। ये सम नंबर 14 हमें दिया हुआ है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, क्या कह रहा है कि इंक्रीज है, इन सभी चीज़ों में अगर इंक्रीज होगा तो हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला कैश, कैश क्या है, हमारी एसेट्स है, एसेट्स में इंक्रीज होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। इसी प्रकार मशीनरी, मशीनरी क्या है, हमारी एसेट्स है, एसेट्स में इंक्रीज होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। डेटर, डेटर भी हमारी एसेट्स होते हैं, इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। इसी प्रकार से क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि इन्हें फर्म को इन्हें पैसा देना है, ठीक है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इनमें इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, ये क्या हमारा कैपिटल में दिखाते हैं हम, तो कैपिटल में अगर इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसी प्रकार से रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या हमें रिसीव हो रहा है, इनकम, इनकम में अगर इंक्रीज होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। इसी प्रकार सैलरी पेड, सैलरी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में अगर कोई इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या हमारी इनकम है, इनकम में कोई इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसी प्रकार से सम नंबर 15 है, ये आपको खुद करके देखना है। थैंक्स।